मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम क्लास 7 का एक नए पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पापा को गए। यह एक एकांकी है जिसके लेखक जो है श्री विजय तेंदुलकर जी है। ये मूलतः यह नाटक जो है, यह एकांकी जो है मराठी भाषा में लिखा गया था, उसका हिंदी में ये अनुवाद किया गया है। यह एकांकी श्री विजय तेंदुलकर द्वारा रचित है। इसमें निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण किया है, अर्थात नाटककार ने ये कल्पना किया है जो निर्जीव चीजें हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, उसका सजीव चित्रण किया गया है। इस पाठ के द्वारा बच्चों के अपहरण के बढ़ते वारदातों को दिखाया गया है। इसके अंदर कि आज जो किडनैपिंग के केस होते हैं बच्चों के, उस समस्या को इस नाटक के माध्यम से बताने का प्रयास किया है नाटककार ने। नाटक के जो पात्र हैं या एकांकी के जो पात्र हैं, उसमें है बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा और नाचने वाली का एक पोस्टर। ये सभी दिन भर जो जी चीजें देखते हैं सड़क पर, रात को आपस में बातचीत करते हैं। पेड़ अंगवाई लेकर कहता है, राम राम, ये राम, ये पेड़, ये रात तो कितनी उबाऊ है, बीतने को ही नहीं आती। दिन तो किसी तरह बीत जाता है पर रात तो बीतती ही नहीं। उसमें एक खंभा कहता है कि ये रात तो बीत जाती पर बरसात की रातें बहुत डरावनी होती, आंधी तूफान आता है, बिजली कड़कती है, उस समय बरसात की रातें इस रात से ज्यादा उबाऊ होती। पेड़ भी कहता है कि हाँ सही बात कहा, मैं तो पेड़ के पत्ते को उड़ कर रहता हूँ इसलिए मुझे कोई ठंड गर्म नहीं महसूस होता। और खंभा कहता है, मैं तो लोहे का बना हुआ हूँ इसलिए मुझ पर ठंडी बरसात का कोई असर नहीं होता, फिर भी बरसात की जो रातें हैं वो बड़ी उबाऊ होती है, वो जल्दी से बीतती नहीं। तभी पेड़ कहता है कि आपसे पहले मेरा जन्म यहाँ हुआ था, जब मैं यहाँ पैदा हुआ था तो मेरे सामने खुला हुआ यह समुद्र था, मैं अकेला ही खड़ा रहता था। जब सड़क का निर्माण हुआ और आपको यहाँ लगाया गया खम्भे को, तो मैंने सोचा चलो एक मित्र मिला, आपस में बातचीत करके अकेलापन दूर करेंगे, पर शुरुआत के दिनों में तो आप घमंडी स्वभाव के थे, बातचीत करने को तैयार नहीं। तभी एक दिन जोरदार बरसात हुई और जोरदार तूफान के कारण खंभा जो है पेड़ के ऊपर गिर जाता है और पेड़ जो है खंभे को बचा लेता है और फिर दोनों में मित्रता हो जाती है और मित्रता होने के कारण दोनों में आपसी बातचीत होने लगती है। और तभी नाचने वाले का ये जो चित्र है उसकी मुद्रा बदल जाती है और उसके पैरों में पहने हुए घुंघरू बचने लगते। उसी समय जो है लेटर बॉक्स इसमें सबसे बुद्धिजीवी पात्र है, इसको लाल ताऊ के नाम से जानते हैं। ये जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसको पढ़ना लिखना आता है, ये लाल ताऊ अर्थात लेटर बॉक्स जो है अंदर रखी हुई चिट्ठियों को निकालता है और पढ़ता है, उसमें से एक दोहा गुनगुनाता। तभी उसके दोहे की गुनगुनाने की आवाज सुनकर कौवा कहता है, कौन रात को इतनी रात को मधुर कंठ में गुनगुना रहा है। लेटर बॉक्स का क्या मैं तुम्हारी तरह कड़वे या करकर सर में बोलूं? कौवा कहता है कि किसी की लाई हुई चिट्ठिया को आपको नहीं पढ़ना चाहिए। लेटर बॉक्स कहता है कि मैं किसी की चिट्ठियों को सिर्फ पढ़ता हूँ, किसी के सामने उसको बताता थोड़ी हूँ। और फिर एक उसमें से एक लेटर निकालता है और उसे पढ़ता है। उसमें जो लिखा है, श्रीमान गोविंद राव, आपका बच्चा जो है स्कूल में नियमित नहीं आता है, पढ़ने में कमजोर है और स्कूल से भी हमेशा गायब रहता है, क्लास से निकल करके वह बंटे खेलता है, श्रीमान आप हमसे आकर मिले। लेटर बॉक्स कहता है कि पिताजी लोग जो है कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और ये बच्चे स्कूल से गायब रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, मुझे तो प्रिंसिपल होना चाहिए तब इसकी खैर लेता। उतने में इनकी बात को सुनकर
बिजली का खम्भा और पेड़ लेटर बॉक्स को सलाह देते हैं, देखो किसी की रखी हुई चिट्ठियों को तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये प्राइवेट होती हैं और किसी की रखी हुई चिट्ठियों को आपका पढ़ना ये अच्छी बात नहीं है। लेटर बॉक्स कहता है कि मैं उनकी लिखी हुई चिट्ठियों को पढ़कर वहीं रख देता हूँ, मैं किसी को बताता भी नहीं हूँ, उनकी चिट्ठियाँ उनके घर तक पहुँच जाती है, इसमें क्या दोष है? मैं अकेला हूँ, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं थोड़ी सी चिट्ठियाँ पढ़ लेता हूँ, तो क्या बात है? बोले, अगर पोस्टमैन को पता चल जाएगा तब आपकी वह खबर लेगा, उसे आकर कहो कि वह अकेले में रहे, तब उसे पता चलेगा कि अकेलापन क्या होता। आपस की बातचीत चलती रहती है, तभी किसी की आने की आवाज आहट सुनाई देती और सभी देखते हैं तो सभी लोग चुप हो जाते हैं। उसमें बिजली का खम्मा, पेड़, लटर बॉक्स और कौवा सभी स्तब्ध रह जाते हैं, चुप रह जाते। वे देखते हैं कि एक आदमी एक लड़की को अपने कंधे पर लादे हुए चला आ रहा है और वह पेड़ के नीचे लाकर लड़की को रखता है, जमुआई लेता है और कहता है, बहुत जोरों की भूख लगी है, लड़की बेहोश है क्योंकि मैंने इसे दवा सुना रखी, मैं थोड़ा पेट पूजा का प्रबंध करके आऊं। वह पेड़ के नीचे लड़की को रख करके और खाने की तलाश में वह सड़क की उस पार चला जाता है। उस समय बिजली का खम्मा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवे को जगाते हैं और कहते हैं, सुनो भाई सुनो, एक नासपिता जो है छोटी सी बच्ची को चुरा कर लेके आया है, अपहरण करके लाया है। कौवा उठता है, कैसी लड़की, कौन सी लड़की? और वह कहता, अभी मैं नींद में हूँ, थोड़ा सा पानी आँख पर डालकर आता हूँ और फिर मैं देखता हूँ। लड़की को देखकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं, बड़ी सुंदर लड़की है, इस नासपीटे ने कहाँ से उठा के लाया, ये किसकी लड़की है और इस लड़की को यह उठा ले जाएगा। लोग उससे तरह तरह की बातें आपस में करते हैं, तभी बिजली का खम्मा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा और नाचने वाली आपस में यह विचार करते हैं कि हमें इस लड़की को किसी न किसी तरह से बचाना। आपस में चर्चा के दौरान लड़की की नींद खुल जाती है, लोगों की आवाज सुनती है, कौन बोल रहा है, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, और वह रोने लगती। उसके रोने की आवाज सुनकर सभी निर्जीव जो पेड़ पौधे और लेटर बॉक्स नाचने वाले जो हैं स्तब्ध हो जाते, शांत हो जाते, उसका रोना शुरू हो जाता। लेटर बॉक्स को उसका रोना देखा नहीं जाता, वह उसके सामने जाता है और वह कहता है कि हम लोग निर्जीव हैं परंतु मनुष्य की तरह बातें कर सकते हैं, तुम डरो मत, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। लड़की को ढाढ़स बढ़ाता है, उसके अपने आप में उसको विश्वास दिलाता है कि हम सब निर्जीव हैं परंतु सजीव की तरह बातें कर सकते हैं। लड़की को इस बात पर विश्वास हो जाता है और वह उनके साथ खेलने लगती है। खेलते खेलते वह थक जाती है और पेड़ के नीचे जो है वह सो जाती है। सोने का भी अभ्यास करती है, तभी जो है वह आदमी खाना खाकर वह लौटता है। सभी लोग उसको बचाने के लिए प्रयास करते हैं, वे लोग लड़की को इशारा करते हैं तो पेड़ के नीचे जो या पेड़ के पीछे जाकर छिप जा, और कौवा जोर से कहता है, भूत भूत भूत, और सभी जो पात्र हैं वो भूत भूत की जोर से आवाज निकालते हैं। भूत की आवाज सुनकर वह लड़की को चुराने वाला जो है वो वहां से भाग जाता। लड़की कहती है, मजा आ गया, सभी पात्र कहते हैं मजा आ गया, हमने उसे अच्छा मजा चखा है। उसकी इस बात को सुनकर लड़की भी कहने लगती, मजा आ गया मजा आ गया, और फिर साथ में खेलते रहते हैं और लड़की थक जाती है और पेड़ के नीचे सो जाती है। लड़की को सोता हुआ जानकर सभी पात्र आपस में चर्चा करते हैं कि अब लड़की को घर कैसे पहुंचाया जाए। लड़की को अपना पता नहीं मालूम, उसके पिताजी का नाम भी उसे पता नहीं है। तभी कौवा एक तरकीब बताता है कि बिजली के खंभे और पेड़ लड़की के ऊपर झुक जाएंगे और मैं सुबह
जोर जोर से कांव कांव करूंगा, लोगों को लगेगा कि कोई दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, और लोग आएंगे, पुलिस आएगी, लड़की को ले जाएगी और उसके घर तक पहुंचा देगी। लेटर बॉक्स यह कहता है कि अगर ऐसा ना हुआ, या कम्मा पूछता अगर ऐसा ना हुआ तो, तभी लेटर बॉक्स को पढ़ना लिखना आता है। वह बड़े अक्षरों पर पोस्टर पर लिख देता है, पापा हो गए, और लेटर बॉक्स सभी दर्शकों के सामने आ गए हैं। आकर वह कहता है, इस लड़की के पिता का पता किसी को भी पता हो तो उस इस लड़की को उस घर तक पहुंचाए, और नाटक यहीं समाप्त होता है। इस नाटक के माध्यम से जो नाटककार है कि बच्चों की किडनैपिंग के केस या अपहरण के केस जो हो रहे हैं उसकी या उस समस्या को उभारने का प्रयास किया है, और लोगों को सचेत किया है कि अपने बच्चों को इस प्रकार खुले में अकेले में न छोड़, और बच्चों को भी सचेत किया है कि बच्चे जहां भी जाएं वो झुंड में जाएं, एक साथ जाएं, और ऐसे अपरिचित व्यक्तियों से किसी प्रकार का खाने पीने की चीजें न लें, उनके बहकावे में न आए जिससे उनका अपहरण हो सके। पाठ से संबंधित जो प्रश्नोत्तर है आपको भेजे जाएंगे असाइनमेंट के रूप में, आप उसे करेंगे तथा नाटक को पुनः आप पढ़ेंगे, क्योंकि नाटक का मैंने सिर्फ संक्षिप्त विवरण दिया है। नाटक को आप पढ़ेंगे तो नाटक बहुत ही मजेदार है, और मजेदार नाटक को पढ़ेंगे तो पापा खो गए इस एकांति के मूल भाव को आप समझ पाएंगे। तो घर पे इस नाटक को आप जरूर पढ़िएगा।